इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर पाकिस्तान से आ रही है। जी हां, बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में अब तुर्की कूद पड़ा है और तुर्की के इस दोगलेपन के कारण हर एक भारतवासी के मन में गुस्से का सैलाब उठ चुका है। बता दें, आप लोगों को याद होगा कि भी हाल ही में तुर्की में भूकंप आया था और उस भूकंप में लाखों तुर्की के लोग मारे गए थे और सिर्फ एकमात्र भारत ही एक ऐसा देश था जिसने तुर्की में आपात सेवाएं लागू कर दी थी। वहां पर एनडीआरएफ की टीम भेजी थी, गेहूं भेजा था, खाद्यान्न भेजा था, बहुत सारी चीज़ें भेजी थी और वहां के लाखों लोगों द्वारा जो तुर्की की बिल्डिंगों में फंसे हुए थे उनको निकाला भी गया। लेकिन तुर्की ने क्या किया, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसको सुनने के बाद आप लोगों का भी खून खौल उठेगा। बता दें कि तुर्की ने हाल ही में पाकिस्तान को कुछ ऐसे ड्रोन बेचे हैं जो पाकिस्तान कश्मीर के इलाके में डिप्लॉय करेगा और वहां पर भारतीय सेना के ऊपर वार करेगा। तुर्की को यह अच्छे से पता था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ हर एक हथियारों का उपयोग करता है। इसके बावजूद भी तुर्की ने भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को वो ड्रोन बेचा है। बता दें कि तुर्की के साथ हुए इस समझौते में पाकिस्तान को काफ़ी ड्रोन्स मिल रहे हैं जो पाकिस्तान के डिफेंस में एक बड़ा बूस्ट भी बताया जा रहा है। इन सभी चीज़ों के बाद अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर तुर्की ने ऐसा क्यों किया। उस समय जब तुर्की को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो भारत साथ दिया था और पाकिस्तान के गेहूं को तो तुर्की ने लौटा भी दिया था, लेकिन फिर भी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया।